गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ओपन करता हूँ, एक्चुअली रात में ये रूम लॉक रहती है, ऊपर का जो रूम है, तो फटाफट में खिड़की वगैरह खोलता हूँ। तो फाइनली मेरा माइक अभी तक यहीं पर रखा हुआ है। एक्चुअली मैं इसे अच्छा से रखा ही नहीं था और फिलहाल रखा हुआ है। तो फिलहाल अभी लॉकडाउन लग गई, जिस कारण मैं यहाँ का जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड पे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बट मैंने सोचा था इस बैकग्राउंड पे कुछ लगाऊंगा, जैसे मान लीजिए कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी वगैरह हो गया, यूट्यूब चैनल का लोगो हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने सोचा था कि मैं इस जगह पर लगाऊंगा तो पीछे तरफ देखने में सही लगेगी। बट लॉकडाउन की वजह से अभी दुकान वगैरह नहीं खुल रही है, ना ही प्रिंटआउट दुकान खुली हुई है, जिस कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो फिलहाल मैं आज डिज़ाइनिंग करूँगा कुछ, ठीक है। मैंने वही सोचा है कि मैं इसमें आज डिज़ाइनिंग करूँगा, एमएस वर्ड्स हो जिससे भी हो, उसमें डिज़ाइनिंग करने के बाद क्या करूँगा, उस चीज़ को थोड़ा बैनर टाइप का निकालूंगा तो सही रहेगी, उसमें मेरा फोटो वगैरह सारे लगे रहेगा। तो देखता हूँ मैं किस तरह डिज़ाइन करता हूँ, नहीं करता हूँ तो वो फिलहाल बाद ही में करूँगा, क्योंकि अभी मुझे टेक वीडियोज़ वगैरह भी शूट करना है। तो एक्चुअली टेक वीडियो आज आई नहीं, तो जिस कारण मुझे टेक वीडियो शूट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कुछ ड्राइंग टाइप का बनाऊँ, तो फिलहाल मैं देखता हूँ किस तरह का ड्राइंग सही रहेगा, और उस हिसाब से मैं यहाँ पर एक अच्छा सा ड्राइंग करता हूँ जो परमानेंट के लिए रही जाएगा। तो हल्का जो बैकग्राउंड में दिखेगी वो शो होगी। तो चलिए देखा जाए फिलहाल किस तरह होता है, ये नहीं होता है। यहाँ ईंट का भट्टा लगाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं सारा ईंट बनाया गया है। इसका फ्रेम होता है जिस फ्रेम से ये बनाया जाता है, और इसी को क्या करके क्या, और यहाँ पर देखिए भट्टा लगेगा, कोयला वगैरह दिया हुआ है, उस उसके बाद ईंट वगैरह सेट होगी, उसके बाद यहाँ पर भट्टा लगेगी। तो यही होता है कुछ गांव का नज़ारा, जो कि बहुत ही सही रहती है। खुद का ईंट से खुद का क्या होगी, घर वगैरह भी बन जाएगी। फाइनली मैंने बोर्ड पर कुछ बनाया है, और हाई होप उतनी अच्छी नहीं बनी होगी, बट जैसी बनी सही है। ऐसे में बोर्ड एक्चुअली पूरा ब्लैंक दिख रही थी, तो सही नहीं लग रही थी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ लिखी है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का सारा कुछ बना हुआ है। देखिए फिलहाल वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है और 36 सेकेंड बाकी है, 35, 34 जल्दी अपलोड हो जाएगी, और यह एक्सपोर्ट होने के बाद तुरंत मैं इसे अपलोड पर लगा दूंगा। तो आई होप कि 12, 12:30 तक अपलोड हो जाएगी, क्योंकि नेट स्पीड बहुत ज़्यादा कम रहती है इधर की, जिस कारण प्रॉब्लम होती है। फिलहाल मैंने अभी वीडियो अपलोडिंग पे लगा दी है, वीडियो अपलोड हो रही है, और फिलहाल देखते हैं कितना लेट में अपलोड होती है, नहीं होती है। एक्चुअली नीचे क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा जो है नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, यानी कि उतनी ज़्यादा नेट खास नहीं चलती है। अगर मैं छत पर जाऊँगा तो सही रहेगी, बट अभी छत में आपको पता है गर्मी का दिन है, धूप बहुत ज़्यादा है, जिस कारण मैं छत पर जाना नहीं प्रीफेयर करूँगा। फिलहाल मैं यहीं से देखता हूँ कितनी जल्दी अपलोड हो रही है, नहीं जैसे अपलोड होगी चैनल पर आ जाएगी। और अभी तक आपने अगर टेक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैं ऑसम्स वीडियो डालते रहता हूँ, टेक रिलेटेड हो चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड हो, सारे वीडियो वहाँ पर आती रहती है। तो जाके देखिए वीडियो, आपको कंटेंट बेहद पसंद आएगी। फिलहाल अब मैं बनाता हूँ थंबनेल फटाफट से, क्योंकि थंबनेल भी जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और फिलहाल मैं थंबनेल का काम करता हूँ मोबाइल से ही, तो मैं मोबाइल से ही थंबनेल जनरेट करता हूँ, और थंबनेल क्रिएट करने के बाद फिर मिलता हूँ मैं आपसे। फिलहाल अभी हम लोग कांड्रा पे, और एक्चुअली यहाँ पर आप देखिए ऊपर में ये दुकान है, और इसमें क्या होता है, हम लोग कॉलेज रिलेटेड पेज वगैरह सारे यहीं पर देखने को मिलती है, सारे यहीं से हम लोग बाय करके ले जाते हैं। तो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बंद है, फिलहाल हम लोगों ने कॉल किया, तो अभी आ रहे हैं वो, देखते हैं हम लोग को ये पेज वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है। फिलहाल अभी टाइम हो रही है 9:30, और अभी मैं छा जनरली छत पे ही एडिटिंग वगैरह ही कर रहा था, तो फिलहाल अभी मैं आ गया नीचे, और अभी हम लोग बैठते हैं खाने के लिए। तो आज को ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।